रुक करते इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का आपको बता दें कि चंदौली कांड को लेकर भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद अपने टीम के समर्थकों को जो है चंदौली कांड के पीड़ित परिवार से मिलने के लिए कुछ दिन पहले भेजे थे। वहीं आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद आज फिर से बड़ा ऐलान कर दिया है। चंद्रशेखर ने कहा कि कल पीड़ित परिवार से मिलने जाऊंगा। जी हाँ, आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर निकल कर आ रही है चंदौली कांड को लेकर चंद्रशेखर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि चंदौली में बेटी के इंसाफ के लिए अनशन पर बैठे पिता कन्हैया यादव को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। वहीं आपको बता दें कि मगर सरकार याद रखे बहन न्याय यादव का भाई चंद्रशेखर आजाद अभी जिंदा है। कल बहन को न्याय दिलाने के लिए चंदौली जाऊंगा, चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा संघर्ष जारी रहेगा, चंद्रशेखर आजाद का बड़ा बयान है। आपको बता दें कि बहन न्याय यादव को न्याय दिलाने के लिए चंद्रशेखर आजाद कल चंदौली जिला जाएंगे।